वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने ये जान लिया था कि वर्डप्रेस साइट या ब्लॉग के लिए डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक बढ़िया और बेस्ट वेब होस्टिंग कहाँ से परचेज करें और कौन कौन से वेब होस्टिंग प्रोवाइडर सबसे बढ़िया हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे वेब होस्टिंग कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा जिनका सर्विस का यूज़ करके आप अपनी साइट को बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने खुद ने भी इन कंपनी से ही होस्टिंग को परचेज किया है और मुझे सबसे बेस्ट लगा है, इसलिए आप भी यदि इस होस्टिंग कंपनी का प्लान लोगे तो आपके लिए भी सबसे बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने डोमेन नेम को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, वैसे यदि आप वेब होस्टिंग परचेज करते हैं उसके साथ ये कंपनी डोमेन नेम भी प्रोवाइड करती है, आप चाहे तो इसके साथ डोमेन नेम भी परचेज कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर blogger.com मैंने अपना खुद का साइट ओपन किया हुआ है। इसमें मैं टेक्निकल से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश करता हूँ, तो आपने इस साइट पर जाना है। मैंने इसके रिगार्डिंग भी आर्टिकल लिखा हुआ है कि कौन सी वेब होस्टिंग सबसे बेस्ट है, तो मैंने 10 वेब होस्टिंग यहाँ पर बताई हुई हैं, लेकिन आपको मैं वीडियो के अंदर 3 ही सबसे बेस्ट बताऊँगा। तो उस आर्टिकल को पहले रीड कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ देखनी है होस्टिंग को खरीदते वक्त। तो आपने यहाँ पर बेस्ट लिखना है, बेस्ट वेब होस्टिंग करके आपने टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर लेना है। ठीक, क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एक आर्टिकल आएगा, तो वो आर्टिकल को आपने रीड करना है अच्छे से। ये देखिए, 10 बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग 2020। अब ये देखिए, आर्टिकल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिटेल में इसमें बताया हुआ है, तो आपने इसको पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पर वेब होस्टिंग खरीदते समय कौन कौन सी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने ध्यान में रखने हैं, कस्टमर सपोर्ट, स्पीड, अप टाइम, बैकअप रिकवरी एंड मनी बैक गारंटी, ये चीज़ें हैं जो आपने देखना है कि कौन सी कंपनी इसकी सबसे बेस्ट है, तभी उस आपने मीन्स सर्विस प्रोवाइडर की तरफ जाना है और उसका परचेज करना है। ठीक, ये आर्टिकल आपने रीड कर लेना है। अब चलते हैं हम अपने 3 जो सबसे बेस्ट हैं। तो सबसे जो नंबर 1 पे होस्टिंग है वो है साइटग्राउंड। साइटग्राउंड की होस्टिंग सबसे बढ़िया है, तो क्योंकि ये इजी टू रिलायबल है, इसको मींस चलाना भी आसान है, वर्डप्रेस मैनेज जिसमें आसानी से हो जाता है, वूकॉमर्स के लिए अलग से इन्होंने होस्टिंग के लिए दिया हुआ है, क्लाउड होस्टिंग के लिए दिया हुआ है, 4 टाइप की जहाँ पर होस्टिंग दिया हुआ है। यदि आप सिंपल साइट बनाना चाहते हैं तो आप वेब होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहते हैं तो उसको मैनेज करना है तो वर्डप्रेस होस्टिंग की तरफ जाइए, यदि वूकॉमर्स से रिलेटेड आपने कोई साइट तैयार करना है तो आपने यहाँ पर WooCommerce होस्टिंग के लिए जाना है। ठीक, क्लाउड के लिए आपने मैनेज करना है तो आपने क्लाउड होस्टिंग चूज़ करना है। ठीक, मीन्स इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो हाई परफॉर्मिंग साइट्स होती हैं वो क्लाउड होस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, या कौन कौन से मीन्स ये चीज़ें हैं जो अपने सर्विस में देती हैं, इजी एंड फास्ट वेबसाइट बिल्डिंग, वेबसाइट बिल्डिंग भी इनबिल्ट इसमें है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रांसफ़र आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सूटेबल फॉर ऑल यूज़र, मैनेज्ड वर्डप्रेस, क्या आपने वर्डप्रेस प्लान यदि आपने लिया है तो उसमें इंक्लूड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, ऑटोमेटेड माइग्रेशंस है, ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं, एडवांस कैचिंग है, एक्सपर्ट वर्डप्रेस सपोर्ट है। यदि आप पूरा अच्छा सपोर्ट है इस साइटग्राउंड के अंदर सारे फंक्शन हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, तो आपने जाना है। यदि आप वर्डप्रेस होस्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही इनके प्लान जहाँ पर आ जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग के, ये देखिए, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, पावरफुल जेट, सिंपल टू यूज़। ठीक है, रिकमेंड हुक wordpress.org दोस्त द्वारा ये रिकमेंड है, मींस बहुत ही अच्छी वेब होस्टिंग है। तो आपने स्टार्टअप प्लान ले सकते हैं या फिर ग्रो बिग का प्लान ले सकते हैं। स्टार्टअप प्लान के अंदर आपको 1 वेबसाइट मिलेगी, 10 GB स्पेस मिलेगा और यहाँ पर फ्री SSL भी इसको साथ में मिलेगा, मीन्स आपको अलग से SSL लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री CDN भी है, जो सबसे ज़्यादा बहुत बढ़िया चीज़ होती है फ्री CDN। उसके बाद फ्री ईमेल भी आपको फ्री में प्रोवाइड मिलेगा और डाटाबेस भी अनलिमिटेड मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 30-day मनी बैक गारंटी है, कि मीन्स यदि आपको ये कोई भी प्लान इसमें से अच्छा नहीं लगता है तो ये आपको पैसे वापस कर देंगे 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक, यदि आपको प्लान वो अच्छा नहीं लगता है तो। उसके बाद जो दूसरा प्लान है वो ग्रो बिग का है, बेस्ट सेलर जो ज़्यादा है रिकमेंड करते हैं वो इस प्लान को करते हैं, तो आप भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मीन्स अनलिमिटेड वेबसाइट्स को हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक,
ये तो रहा हमारा फर्स्ट नंबर पे साइटग्राउंड। तो सेकंड नंबर पे है वो है ब्लूहोस्ट। ब्लूहोस्ट भी एक ऐसी सर्विस है, ऐसा मीन वेब सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें आप बड़ी आसानी से अपने वर्डप्रेस साइट को मैनेज कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। ये देखिए यहाँ पर दी बेस्ट वेब होस्टिंग, यहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिलेगा एक साल के लिए और फ्री SSL सर्टिफिकेट भी इसमें इंक्लूड है। एक क्लिक से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, 24/7 इनका सपोर्ट है और इनका जो स्टार्टिंग प्लान है वो मीन्स $3 के करीब मंथली यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये उससे चीप है, साइटग्राउंड से चीप है और इनका अप टाइम स्पीड भी बहुत अच्छा है। मैंने भी इसका परचेज़ किया हुआ है ब्लूहोस्ट से, तो बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है और इनका भी 30-day मनी बैक गारंटी है यदि आप इनका परचेज करते हो तो। 30 दिन के अंदर अंदर आप इनका यदि अच्छा प्लान नहीं लगता है तो इनको आपके पैसे वापस भी हो जाएंगे, ठीक। इसमें कोई इशू नहीं है, सभी कंपनी जैसा करती हैं ये चीज़। तो ये देखिए जहाँ पर 2 मिलियन वेबसाइट्स ब्लूहोस्ट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर हैं जो बनी हुई हैं, मीन इनका प्लान लिया हुआ है, मनी बैक गारंटी है, 24/7 इनका सपोर्ट है। तो आप होस्टिंग प्लान देखना चाहते हैं तो आपने सी होस्टिंग प्लान पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको होस्टिंग प्लान जहाँ पर आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस के होस्टिंग प्लान है। यदि आप वर्डप्रेस में जाना चाहते हैं, ई कॉमर्स का है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, WP प्रो है, होस्टिंग के लिए शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, BPS होस्टिंग है, डोमेन लेना चाहते हैं तो डोमेन पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। ये देखिए बीच प्लान इज राइट फॉर यू, शेयर्ड होस्टिंग, BPS एंड डेडिकेटेड। तो इनके कारण ये मंथली जो प्लान स्टार्ट हो जाता है वो शेयर्ड होस्टिंग में $2.95 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसको बस आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें स्पेशल ऑफर भी चल रहा है अभी, तो आपने करना क्या है, ऊपर जाना है वर्डप्रेस पर, वर्डप्रेस होस्टिंग पर क्लिक करना है। तो आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान जहां पर आ जाएंगे तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर अभी वर्डप्रेस होस्टिंग का जहां पर ओपन हो चुका है, शेयर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, फास्ट इजी एंड सिक्योर वर्डप्रेस होस्टिंग इन मिनट्स, ऑटोमेटिक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, उसके अपडेट्स भी ऑटोमेटिक हो जाता है, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम डोमेन नेम परचेज करते हैं। यदि आप किसी और साइट से डोमेन नेम परचेज करते हैं तो उसका अलग से SSL आपको चार्ज लगता है, तो ये फ्री में हमें SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है और एक साल के लिए डोमेन नेम भी फ्री में प्रोवाइड कर रही है यदि आप इन से वेब होस्टिंग परचेज करते हैं। 3 प्लान इसमें रिकमेंड किए हैं, एक बेसिक, एक प्लस है एंड चॉइस प्लस है। तो बेसिक प्लान में ये है कि आपको एक साइट मिलेगा, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, 50 GB यहाँ पर SSD स्टोरेज, जो सबसे बड़ी बात है स्टोरेज SSD है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो एक साल के लिए फ्री डोमेन है, 5 पार्क डोमेन्स हैं, 25 सब डोमेन्स हैं, ठीक। दूसरा प्लान है वो प्लस का है, 5.45 इसका मंथली मेन चार्जेस लगेगा। इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, इसमें आपको वेबसाइट्स अनलिमिटेड मिलेंगी और जहाँ पर अनलिमिटेड यहाँ पर पार्क डोमेन मिलेंगे, अनलिमिटेड सब डोमेन मिलेंगे, ठीक। काफ़ी सारा कुछ यहाँ पर अनलिमिटेड मिलेगा यदि आप इस प्लान की ओर जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आ रहा है वो होस्टिंगर का प्लान है। होस्टिंगर सबसे बढ़िया साइट है, क्यों? क्योंकि यदि आपका बजट कम है, यदि आप ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर साइट पर जा सकते हैं। मैं खुद भी यहाँ पर होस्टिंगर साइट से परचेज़ किया है। blogarkey.com जो मेरा एक साइट चल रहा है वो मैंने होस्टिंगर से ही परचेज़ किया है, उसकी वेब होस्टिंग, और मैंने डोमेन नेम लिया था GoDaddy से और मैंने होस्टिंग को परचेज़ किया था होस्टिंगर से। तो मैंने उसका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया था डोमेन नेम को इसमें, तो बहुत ही आसान है वो भी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि हमने डोमेन नेम कई और साइट से और कंपनी से परचेज़ करते हैं और होस्टिंग हम किसी और कंपनी से परचेज़ करते हैं तो उसको कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी अलग से वीडियो आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर जैसा कि आ रहा है 59 रुपीज़ मंथ, जहाँ पर ये मैंने IN डाला है तभी यहाँ पर 59 रुपीज़ का बता रहा है, इंडिया के लिए बता रहा है। तो 59 रुपीज़ का प्लान जहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही चीप प्लान है। यदि आपका बजट बिल्कुल लो है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर में जाइए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, इसमें पूरा रीड कर सकते हैं। ये देखिए 59 रुपीज़ से आपका जो स्टार्ट हो जाता है वेब होस्टिंग का प्लान, ये आपका सिंगल वेब होस्टिंग है। प्रीमियम वेब होस्टिंग आपका 119 से प्लान है मंथली, ठीक। सिंगल वेब होस्टिंग में आपको सिंगल वेबसाइट मिलेगा, 1 ईमेल मिलेगा, 1 लाख के मंथली विजिटर्स हैं, यहाँ पर फ्री SSL सर्टिफिकेट विद है। इस प्लान के अंदर आपको फ्री SSL मिलेगा, अनलिमिटेड मंथली विजिटर है, 100 वेबसाइट्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, 100 ईमेल्स का क्रिएट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा प्लान है। तो इनके प्लान बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, यदि आप बजट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर की तरफ जाइए। इनके जो टूल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सेटअप करना ईजी है अपनी वेबसाइट को। ये देखिए फास्ट वेबसाइट्स है इनका, जो अप टाइम स्पीड है वो भी ज़्यादा अच्छा
अच्छा है। चाहे मैं खुद जहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं blogger.com मैंने टेक्निकल साइट बनाई है, तो मुझे एक अच्छा होस्टिंग प्लान चाहिए, तो मैंने होस्टिंग से परचेज़ कर लिया था। इसका कॉस्ट ज़्यादा था साइटग्राउंड और ब्लूहोस्ट का, तो इसलिए मैंने होस्टिंग का परचेज़ किया है। ठीक, तो आप भी इसमें जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा, जहाँ पर 24/7 इनका सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और यूज़र फ्रेंडली कंट्रोल पैनल है। 30-day मनी बैक गारंटी है, सबसे बड़ी बात है कि 30-day मनी बैक गारंटी इनका भी है, तो आप इस होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया है आपको 3 सबसे बेस्ट होस्टिंग। यदि आपका बजट ठीक है, बजट अच्छा है, तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा साइटग्राउंड और ब्लू होस्ट, किसी में भी जा सकते हैं। यदि आपका बजट कम है तो आप होस्टिंगर में जाइए, तो सबसे बेस्ट होगा वो। ठीक, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।